नवरात्रि पर्व आज से प्रारंभ हो गया है। महामाया मंदिर में 12:24 पर घट स्थापना की गई और घट स्थापना के साथ ही मंदिर के पट खोल दिए गए। मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं को दर्शन लाभ मिलने लगा। आज नवरात्रि का पहला दिन और प्रथम दिन ही माँ महामाया के दरबार में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। दर्शनार्थी सुबह से लेकर रात तक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जसगीत रात्रि 9 बजे से सुबह 4 बजे तक जसगीत मंडली द्वारा जसगीत का आयोजन होगा और यज्ञ स्थल में यज्ञ भी प्रारंभ कर दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि इस बार भीड़ को देखते हुए व्यवस्था बनाई गई है। बांसती नवरात्रि होने की वजह से काफी भीड़ होने की आशंका है, जिस पर मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी के साथ सहयोगी गण व्यवस्था में लगे हुए हैं और नवरात्रि पर्व में महामाया मंदिर ट्रस्ट के द्वारा लोगों की सुविधा के लिए पेयजल एवं ठहरने के लिए निःशुल्क धर्मशाला व निःशुल्क भोजन व्यवस्था की गई है। इस बार नवरात्रि में 22,000 ज्योति कलश जलाए जा रहे हैं। नवरात्रि में श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था बनाने में मुस्तैद नजर आ रही है और वाहनों को व्यवस्थित करते हुए आवागमन को सुगम बनाने में जुटी हुई है। नवरात्रि के पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट। बड़ी संख्या में 9 दिन का नवरात्रि यहाँ पर मनाया जाता है और शाम को 4 बजे बिलासपुर या पूरा छत्तीसगढ़ में नववर्ष की महासभा रैली निकाली जाएगी। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर जितने दूर दूर से दर्शन करने लोग आ रहे हैं और 9 दिन तक यहाँ पर वहाँ चलती रहेगी। कहाँ पर पूरे बिलासपुर की छुट्टी मनाए। आज बासंती नवरात्रि का प्रथम दिवस है और सुबह 5 बजे मंदिर तो पट खुल गई है, श्रृंगार किया। श्रृंगार के बाद आम दर्शनार्थियों को दर्शन का लाभ मिलते जा रहा है और 11:34 से जो मुहूर्त है घट स्थापना का, उसमें पूजन कार्य शुरू होगा। द्वार पूजन परिक्रमा करने के बाद धूप परिक्रमा करेंगे, उसके बाद माता जी का पूजन होगा, घट स्थापना होगा। करीब इस बार 22,000 ज्योति का रसीद कटा हुआ है, 22,000 ज्योति जलेगा। 11:34 से 12:24 के बीच में घट स्थापना के बाद ज्योति प्रज्वलित होगा। 12:30 बजे से ज्योति सभी ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। आम दर्शनार्थियों द्वारा ज्योत का दर्शन 12:30 बजे के बाद कर सकते हैं। उसके पश्चात हमारा जो नवरात्र में होता है कि पंडितों द्वारा जो पाठ किया जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, श्रीमद् भागवत का पाठ है, देवी भागवत का पाठ है, वो सब पंडितों का वर्ण करके उनको पाठ में बैठाया जाएगा। सचंडी यज्ञ प्रारंभ होगी। शाम करीब 4 बजे से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगा।